हाय मैंने भी शशिकांत भारद्वाज इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट इंडिकेटर्स टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स यूनिवर्सल इंडिकेटर्स पी एच एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ पी एच इन आर एवरीडे लाइफ ओके सो बिफोर वी गो डी इन टू दिस चैप्टर आई हैव ऑलरेडी मेड टू वीडियोज ऑन एसिडेंट बेस तो आप देख सकते हैं दो वीडियो मैं इससे पहले बना चुका हूँ यह है चैप्टर नंबर टू का लेक्चर नंबर थ्री है ठीक है तो इसमें हम जानेंगे सबसे पहले कि इंडिकेटर्स है क्या जनरली अभी जानेंगे इंडिकेटर्स है क्या इंडिकेटर्स मीन्स एनी थिंग दैट गिव सम इंफॉर्मेशन और सो समथिंग ठीक है कोई चीज की इंफॉर्मेशन हमें देता है या फिर किसी के बारे में बताता है इंडिकेट करता है तो ऐसे सबस्टेंस uh, को हम बोलते हैं इंडिकेटर्स ठीक है कुछ और हम डेली लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं ठीक है उसमें तीन तरह की लाइट होती है रेड लाइट ग्रीन लाइट एंड येलो लाइट अगर रेड लाइट का सिग्नल आ रहा है इसका मतलब कैंडिकेट कर रहा है रेड लाइट कि अभी हमें स्टॉप होना है जाना नहीं है ठीक है ग्रीन सिग्नल है तो हमें क्या करना है अभी हम जा सकते हैं ठीक है ऐसे ऑटोमोबाइल्स के अंदर भी इंडिकेटर्स होते हैं इंडिकेटर्स क्या बताते हैं कि अगर हमें लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर्स हमने जलाया तो उसका मतलब क्या हम लेफ्ट साइड में मोड़ेंगे राइट साइड का इंडिकेटर जलाया तो वो क्या क्या इंडिकेट कर रहा है वो हम राइट साइड में मुड़ेंगे तो इसका मतलब इंडिकेटर्स आर दोज थिंग्स दैट इंडिकेट्स और गिव सम इंफॉर्मेशन और सो समथिंग ठीक है तो ये इंडिकेटर्स हैं अब बात आती है कि वाई वी नीड इंडिकेटर्स हम क्यों इंडिकेटर्स हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं देखिए अभी हमने जाना कि तीन तरह के सब्सेंस होते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट ठीक है अब हर चीज को हम चक चक के या टेस्ट कर करके हम नहीं चेकआउट कर सकते कि ये एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है ठीक है अगर हर चीज़ को हम टेस्ट कर कर के चेक करेंगे तो क्या पता अगर वो पॉइजन हुआ तो फिर तो एनीथिंग कैन हैपन टू अ लिविंग बींग्स ठीक है तो इसलिए हम क्या करते हैं ऐसे सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं जो कि बताते हैं कि हाँ ये एसिड है ये बेस है और ये क्या है सॉल्ट है ठीक है अब इंडिकेटर्स जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं ठीक है अब यहाँ पे पढ़ेंगे कि इंडिकेटर्स जनरली तीन तरह तरह के होते हैं ठीक है नेचुरल इंडिकेटर्स सिंथेटिक इंडिकेटर्स और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स अभी एक इंडिकेटर और है जो कि हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर ठीक है वो कई सारे इंडिकेटरों का कॉम्बिनेशन होता है मिक्सचर होता है ठीक है वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे ठीक है तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं जो कि नेचर से हमें ओपटेंड हो रहे हैं ठीक है प्लांट्स और एनिमल्स से सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं जो कि लेबोरेटरीज में सिंथेसाइज किए जाते हैं प्रिपेयर किए जाते हैं ठीक है कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स की हेल्प से ठीक है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स किस लिए होते हैं ऐसे इंडिकेटर जो कि थोड़े स्मेल के बेसिस पे होते हैं यानी कुछ स्मेल या कुछ ऑर्डर के बेसिस पे हम पता कर सकते हैं कि हाँ कि एसिड है बेस है सॉल्ट है ठीक है तो एक एक करके हम इसमें पढ़ेंगे तो वी स्टडी अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल इंडिकेटर नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होता है द इंडिकेटर फाउंड इन नेचर दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स जो कि नेचर से मिलते हैं नेचर्स में फाउंड होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं ठीक है सब नेचुरल इंडिकेटर्स विद द कलर एंड इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम आर एस फॉलो या देख लेते हैं कुछ हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स हैं और उनका जो कलर है अगर हम उनको एसिडिक और बेसिक मीडियम में डालेंगे अलग अलग तो उनके कलर क्या होंगे क्या चेंजेस आएंगे ठीक है एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर मैं आपको बताऊं लिटमस ठीक है लिटमस एक ऐसा नेचुरल इंडिकेटर है जो कि लैचेन नाम के प्लांट से मिलता है ठीक है जो लिटमस है वो लाइचन नाम के प्लांट से मिलता है और उस इंडिकेटर्स को हम बोलते हैं लिटमस इंडिकेटर ठीक है अब ये क्या होता है एक तरह का पर्पल डाई होती है पर्पल कलर की डाई होती है जो लिटमस जो होता है वो क्या होता है पर्पल कलर की डाई होती है ठीक है जो कि दैट वी ओपटेन फ्रॉम द लाइच एंड प्लांट अब उस लिटमस को अगर हम एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो क्या होता है रेड कलर शो करता है और बेसिक मीडियम में डालते हैं तो क्या करता है ब्लू कलर शो करता है एक्चुअली क्या होता है वो पर्पल डाई कलर का होता है स्टार्टिंग में ठीक है इनिशियली द लिटमस पेपर इज पर्पल डाई कलर वेन वी डिप द लिटमस पेपर इन द एसिडिक मीडियम देन लिटमस्ट पेपर विल टर्न इट्स कलर फ्रॉम ब्लू टू रेड ठीक है और अगर बेसिक मीडियम में डालेंगे तो रेड टू सॉरी रेड टू ब्लू ब्लू हो जाएगा यस yes. ठीक है तो क्या होता है एसिडिक मीडियम में तो रेड हो जाएगा और बेसिक मीडियम में कैसा कलर चेंज हो जाएगा उसका ब्लू हो जाएगा ठीक है ऐसे और भी कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं रेड कैवेज है जो कि एसिडिक मीडियम में हो जाएगा रेड और बेसिक में हो जाएगा ग्रीन टर्मरिक जो कि हल्दी होती है ठीक है ना वो एसिडिक मीडियम में येलो और बेसिक मीडियम में रेडिश ब्राउन एक है फ्लॉवर हाइड्रेंजिया वो एसिडिक मीडियम में कलर क्या दिखाएगा ब्लू और बेसिक मीडियम में पिंक कलर दिखाएगा तो ये तो थे हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स जो हम डेली लाइफ में केमिस्ट्री लाइफ में यूज़ करते हैं वो लिटमस यूज करते हैं लिटमस का एक तरह का पेपर आता है ठीक है ना उससे हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि हम जो कोई भी सब्सटेंस है वो एसिड है के बेसिक सॉल्ट है ठीक है, है तो वो कलर्स के बेसिस पे बताता है लिटमस पेपर ठीक है नेक्स्ट है सिंथेटिक इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर जो कि लेबोरेटरीज में प्रिपेयर होते हैं लेबोरेटरी में सिंथेसाइज होते हैं तो ऐसे इंडिकेटर्स को हम बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स तो हेयर वी कैन सी द इंडिकेटर्स विच आर सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी और इन इंडस्ट्रीज आर नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर्स सम सिंथेटिक इंडिकेटर्स विद ए कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम आर एस फॉलोज ठीक है हाँ दो तरीके के होते हैं एक तो होता है मिथाइल ऑरेंज एक्चुअली जी ऑरेंज कलर का होता है नेचुरली अपने अपने जो नेचुरल कलर होता है जो जो हम बनाते हैं तो उसका स्टार्टिंग कलर क्या होता है ऑरेंज होता है ठीक है और एक होता है फिनॉपथिलन फिनोक्न भी क्या है सिंथेटिक इंडिकेटर है बट उसका कलर कैसा होता है वो कलरलेस होता है कोई कलर ही नहीं होता है ठीक है तो जब भी हम मिथैल ऑरेंज को एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो उसका जो कलर है ऑरेंज से क्या हो जाएगा रेड हो जाएगा एंड वैन बी डिप मिथाइल मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज और रिएक्ट द द विद मिथिल सोल्यूशन मीडियम देन इट कलर बिकम्स येलो यानी कि येलो कलर का हो जाएगा नेक्स्ट है फिनॉफ स्लीन इंडिकेटर जो कि क्या होता है कलरलेस होता है तो एसिडिक मीडियम में तो अगर वो डाला तो उसका मतलब कलरलेस ही रहेगा बट बेसिक मीडियम में डाला तो कैसा हो जाएगा पिंक हो जाएगा तो ये पहचान है इसकी तो एसिड में लगा रहा कलर लैस ही रहा बट वैन बी सिंथेटिक इंडिकेटर्स अब हम जानेंगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स यहाँ पे मतलब है कि उनके ऑर्डर या स्मेल के बेसिस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या सब्सटेंस एसिड है बेसिक सॉल्ट है ठीक है देखिए द सब्सटेंस विच गिव डिफरेंट स्मेल एसिडिक एंड बेसिक मीडियम आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स को हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स ये कुछ एग्जांपल्स हैं एग्जाम्पल्स है ऑनियन हो गए होगा वेलो होगा ये सारे एग्जाम्पल्स ठीक है थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं सोल्यूशन की एक्चुअली ये होता है क्या? एक, एक पर्पल डाई कलर का सोल्यूशन होता है सोल्यूशन ठीक है तो इट इज अ पर्पल कलर्ड डाई एक्स्ट्रेक्टेड फ्रॉम लाइचन प्लांट लाइचन प्लांट से लिया जाता है ये और कैसा कलर होता है पर्पल कलर का होता है डाई होती है ठीक है इट इज कॉमनली यूज एज एसिड बेस इंडिकेटर वेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू लेटमस सोल्यूशन अगर थोड़ा सा भी एसिड का अमाउंट हमने डाला है लेटमस में तो उसका कलर क्या हो जाएगा वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा है.

विच ज ए कॉम्बिनेशन और मिक्सचर ऑफ सो मेनी इंडिकेटर्स ठीक है अब देखो अब अब जरूरत क्यों पड़ी यूनिवर्सल इंडिकेटर की देखो हर जगह फिनॉक्ट नहीं मिल सकता हर जगह मिथाल ऑरेंज नहीं मिल सकता हर जगह हमारे पास जो क्या कहते हैं आते लेटमस रेड कैबेज यही सारे नहीं मिल सकते ठीक है हम नहीं ओप्टेन कर सकते हर जगह ठीक है तो एक ऐसा इंडिकेटर बनाया गया जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है और किसी भी मीडियम साथ रिएक्ट कराएंगे तो वहाँ पर क्या होता है वो बहुत सारे कलर्स शो करता है एक उसका पीएच पेपर आता है ठीक है ना तो पीएच पेपर हम यूज़ करते हैं वो, वो वो इंडेक्स होता है बताते हैं कि अगर इस तरह का पार्टिकुलर टाइप ऑफ कलर हमें मिला यानी ज़ीरो से फोर्टीन के बीच में क्या होता है उसकी रीडिंग्स होती है अगर हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर को क्रिएट कराया तो एक पार्टिकुलर कलर हमें मिलता है उस कलर को हम पी पेपर से फाइंड आउट करके देख सकते हैं कि हाँ ये इसका जो पी वैल्यू आ रही है वो जीरो सेवन के बीच में इतनी है तो हाँ ये इस तरह का एसिड है और सेवन टू तो फोर्टीन के बीच में आया तो इस तरह का बेस है ठीक है ना तो इस हिसाब से वी कैन फाइंड आउट दैट वेदर सब्सटेंस इज एसिड बेस और सॉल्ट अगर सॉल्ट होगा तो इसका मतलब न्यूट्रल आएगा यानी कि सेवन पे वैल्यू आएगी और उसका कलर भी एक पार्टिकुलर होता है ठीक है तो अभी हम बात करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर की ठीक है तो यूनिवर्सल इंडिकेटर की हम बात करते हैं तो अभी हम बात कर रहे थे यूनिवर्सल इंडिकेटर की तो मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है बहुत सारे इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन होता है और ये क्या करता है जीरो से फोर्टीन के बीच में कुछ पार्टिकुलर कलर्स देता है उस कलर को आइडेंटिफाई करके हम पी पेपर हम यूज़ करते हैं पी एच पेपर बताया था अगर पार्टिकुलर कलर कलर आया है तो वो सब्सटेंस एसिड है या वेस है या सॉल्ट है ठीक है तो हम यहाँ देख सकते हैं एक यहाँ पर हमारे पास एक पी पेपर है ठीक है पी पेपर होता क्या है जो वर्ड है पी एच स्मॉल पी और कैपिटल एच ठीक है यहाँ हम देख सकते हैं देखिए यहां पे देखिए यहां पे जो लिखा हुआ है पी एच ठीक है तो पी और एच यहाँ पी का मतलब होता है प्रोटेन्स और एच का मतलब है हाइड्रोजन ठीक है प्रोटेन्स एक वर्ड है जो कि इसका मीनिंग होता है पावर ठीक है तो यहां पे हम देख सकते हैं एक पीएच पेपर है जो कि यह बताता है कि कोई भी सोल्यूशन है उसको अंदर जब हम यूनिवर्सल इंडिकेटर को डिप करेंगे और उसमें एक पार्टिकुलर कलर मिलेगा उस कलर को हम इस पीएच पेपर की हेल्प से देख लेते हैं कि किस तरह कलर आया जीरो से फोर्टीन के बीच में जो भी कलर आया हो तो वहाँ से हम ये पता कर सकते हैं अगर हमारे तो एग्जाम्पल लेते हैं हम कि सेवन पे सॉरी हम लेते हैं अगर हमारे पास पीएच पे गैस्ट्रिक जूस हमने एक सॉल्यूशन था गैस्ट्रिक जूस ठीक है उसके अंदर हमने पीएच पेपर को डेप किया या यूनिफर्स इंडिकेटर को डेप किया ठीक है तो उसके ऊपर जो कलर आएगा ठीक है तो वहाँ पे वन वाला कलर आया है ठीक है मानो चलो ठीक है तो उसका पीएच कितना दिखा रहा है वन पॉइंट टू दिखा रहा है ठीक है तो यहाँ पर जो आपको थोड़ा सा रेडिश ऑरेंज जो कलर दिख रहा है वो वन पे दिख रहा है ठीक है तो इस हिसाब से हम चेकआउट कर सकते हैं कि हाँ अगर इस तरह का पार्टिकुलर कलर आता है तो इसका मतलब उसका पीएच कितना रहा होगा जीरो से 1 के आ, वन के बीच वन जीरो से टू के बीच में यानी कि वन पॉइंट टू हम बोल सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस के लिए वन पॉइंट टू है तो और भी हम देख सकते हैं तो यहाँ पे क्या है यूनिवर्सल इंडिकेटर का इस हिसाब से हम यूज करते हैं अब जो मैंने आपको बताया कि पी होता है क्या है पी होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन कोई भी सोल्यूशन है हमारे पास एसिड है वेस्ट है सॉल्ट है हमें नहीं पता है बट जब भी हम उस यूनिवर्सल इंडिकेटर को डालेंगे तो कुछ पार्टिकुलर कलर मिलेगा उस पार्टिकुलर कलर के अकॉर्डिंग हम पीएच पेपर पे देखेंगे कि वो कलर कौन सा है उस कलर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि पीएच पेपर है, ओ प्लस, उसकी कितनी है या फिर एच प्लस आयन की कंसेंट्रेशन कितनी है अभी मैंने आपको बताया एस थ्री ओ प्लस एक्चुअली क्या है वो थोड़ा सा कम्ब स्टेट में रहता है एस ट्रीओ के साथ एस थ्री ओ प्लस एज अ हाइड्रोनियम uh, आयन रहता है ठीक है तो यहां पे हम देखते हैं कि H प्लस आयन की कंसेंटेशन कितनी है उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि एसिडिक है के है अगर हाइड्रोजन आय जो H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन अगर डिक्रीज हुई ठीक है ना तो इसका मतलब क्या है वो भी अगर नेगेटिव में वो हो रही है इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि एसिडिक मीडियम इंक्रीज हो रहा है ठीक है ना और एच प्लस आई की कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है इसका मतलब क्या है बेसिक नेचर आ, आ रहा है उसके अंदर ठीक है और उसकी वैल्यू अगर मान चलो सेवन मिली तो हमें क्या मिलता है वो क्या है सॉल्ट ना तो एसिड है ना बेस है वो क्या है न्यूट्रल पोजिशन पे है यानी कि सॉल्ट है ठीक है तो यहाँ हम देख लेते हैं यहां देखते हैं अगर हमारे पास न्यूट्रल है यहां पे देखिए सेवन न्यूट्रल पोजिशन दिखा रहा है पी एच पेपर पे ठीक है तो अगर हमारे पास सेवन से लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो उसका मतलब क्या है एस प्लस की कंसट्रेशन इंक्रीज हो रही है और एस प्लस तो उसका मतलब एसिडिटी एसिडिक नेचर उसका इंक्रीज हो रहा है ठीक है ना और सेवन से राइट में जाते हैं तो उसका मतलब क्या है उसका एसिडिक कैरेक्टर रिड्यूज हो रहा है और बेसिक कैरेक्टर उसके अंदर इंक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब सेवन टू फोर्टीन तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है और सेवन टू जीरो हम जाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है इंक्रीज होता है और सेवन पे क्या होता है न्यूट्रल होता है ना ही एसिडिक ना ही बेसिक ठीक तो ये हमारा एक इंडिकेशन है जो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें बताता है ठीक है ना और जब भी हम इंडिकेटर को सोल्यूशन डिप कर दे तो वो पार्टिकुलर कलर शो करता है उस कलर को हम पी पेपर से मैच कर सकते हैं और वहाँ पर उस कलर के हिसाब से उसका कुछ पी होता है उस पी के हिसाब से हम बता देते हैं बता सकते हैं कि वो किसने कितने लेवल की एसिडिटी है या कितने लेवल की बेसिसिटी है ठीक है ना तो ये था हमारा पी वैल्यू तो इस हिसाब से हम किसी भी सोल्यूशन की पी वैल्यू निकालते हैं पी वैल्यू हम हाइड्रोजन आयंस के टर्म्स में ही निकालते हैं क्योंकि पी मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन ठीक है ना एच प्लस आयंस की कंसंट्रेशन ही बताता है पी तो एक्चुअली क्या है कि हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन कितनी है अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है, है और कम है तो उसका मतलब एसिड कैरेक्टर कम है और सेवन से ऊपर गया इसका मतलब क्या है बेसिक कैरेक्टर स्टार्ट हो गया उसके अंदर ठीक है ना तो ये था क्या कहते हैं बता सकते हैं कि हम कोई भी जो सोल्यूशन वो कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है तो उसकी एबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं पीएच का यूज करते हैं ठीक है ना तो कुछ ये ये हमारे यूनिवर्सल इंडिकेटर ऑफ पीएच के बारे में अभी हम जानेंगे कि हम डेली लाइफ में पी का क्या है इंपॉर्टेंस क्या है ठीक है ना तो इम्पोर्टेंस हम जानेंगे पी का का हमारी डेली लाइफ में पी का क्या इंपॉर्टेंस है ठीक है ना तो नाउ विल स्टडी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पी एच एंड डेली लाइफ ठीक है कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं एक्चुअली देखो पी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में क्यों है कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले पॉइंट्स हमारा प्लांट्स एंड एनिमल्स ठीक है सो प्लांट्स और एनिमल्स में हम देखते हैं कि देखिए कभी कभी क्या होता है जो कभी कभी सल्फ्यूरिक एसिड्स की बारिश हो जाती है ठीक है ना क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में जो बारिश होती है बहुत ज़्यादा एसिड होता है कौन सा होता है सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा पाया जाता है ठीक है अगर वो एसिड प्लांट्स की सॉइल के अंदर गया वाटर के अंदर गया तो क्या होता है एक्विटिक लाइफ क्या होता है वाटर के अंदर गया तो एक्विटिक लाइफ क्या हो जाएगी डिस्टर्ब हो जाएगी क्योंकि हर लिविंग बीस की एक मिनिमम और सॉरी मैक्सिमम लिमिट है कि वो इतने पी तक वो टॉलरेट कर सकता है ठीक है तो अगर पी की वैल्यू डाउन चली गई उसका मतलब क्या हो जाएगा एसिडिटी इंक्रीज हो गई उस यानी एसिडिक मीडियम क्या हो गया बढ़ गया ठीक है तो उस वजह से क्या होता है उनकी बॉडी पर बहुत इफेक्ट आता है तो हम यहाँ पहला पॉइंट्स देख लेते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पी सेंसिटिव ये पहला पॉइंट है क्यों है पी सेंसिटिव द बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वर्क विद अ पी एच रेंज ऑफ सेवन टू सेवन पॉइंट एट देखिए जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनकी एक लिमिट है कि सेवन से लेके सेवन पॉइंट एट के बीच में वो पी एच को पी एच रहता है उनका अगर इससे नीचे गया इससे ऊपर गया तो इसका मतलब उनके जो लिविंग स्टाइल है वो क्या हो जाए डिस्टर्ब हो जाएगी ठीक है अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं वन पी एच ऑफ रिवर वाटर गोस बिलो फाइव पॉइंट सिक्स अगर फाइव पॉइंट सिक्स से नीचे अगर वाटर का पी एच जाता है क्योंकि इसकी वजह से एसिड रेन की वजह से देन एक्वेटिक लाइफ विल डिफिकल्टी फील डिफिकल्टी इन देयर सर्वाइवल ऑब्वियसली जब हम देखते हैं देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारे मथुरा में यमुना जी सी में क्या होता है इंडस्ट्रीज से बहुत सारा वेस्ट वाटर यमुना जी में जाता है बहुत सारे और भी एग्जांपल ले लेते हैं इंडस्ट्रीज से किसी भी रिवर में जो गंदा पानी जाता है क्या होता है बहुत ज़्यादा केमिकल्स uh, होते हैं उसमें ठीक है उस वजह से क्या होता है कि पीएच डिस्टर्ब होता है पीएच डिस्टर्ब होगा तो उस टॉल लिमिट से एक्सटेंड चला जाता है पीएच तो उसका मतलब क्या होता है बहुत सारे जानवर होते हैं कोटेक लाइफ जो होती है वो डिस्टर्ब होती है और हो सकता है मछलियाँ जितने भी uh, जो एनिमल्स एक्टर वो मर भी जाते हैं कभी कभी देखा होगा कि वो किनारे आ जाते हैं या फिर ऊपर आ जाते हैं क्यों क्योंकि वो उस, उस पी एच की वैल्यू को नहीं झेल पाए ठीक है तो बहुत इंपॉर्टेंट है पीएच का पीएच रेंज मेंटेन रहनी चाहिए ठीक है तो यहाँ पे क्या था

सॉइल की भी एक लिमिट होती है कि इतने पी तक उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहती है यानी कि अग जब भी हम अगर उसकी क्या कहते हैं पी की वैल्यू को चेंज करेंगे तो उसका मतलब सॉइल भी डिस्टर्ब हो जाएगी उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाएगी डिस्टर्ब हो जाएगी ठीक है ना और जो क्रॉप्स हैं वो अच्छी तरह से क्या हो जाएंगे फर्टाइल वो सॉरी नहीं पाएंगी ठीक है ना तो क्या होता है डिफरेंट क्रॉप नीड डिफरेंट पी इन सॉइल टू ग्रो देर इट इज़ नेरी टू नो द पी ऑफ सॉइल बिफोर ग्रोइंग एनी क्रॉप देखिए डिफरेंट श्रॉप्स होती हैं डिफरेंट रीजन में वो अपने अपने पी के अकॉर्डिंग ही उगती हैं अगर सॉयल जहाँ पे जितनी पी की रिक्वायरमेंट है उतनी पी अगर रही तो इजीली क्या हो जाएगा ग्रोथ हो जाएगी प्लांट्स की ठीक है नेक्स्ट है पी एच एन आर डाइजेस्टिव सिस्टम अब देखिए बहुत प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल है जो कि हर किसी को होती है ये एसिडिटी आपने सुना है हर किसी को होती है अगर हम कुछ बाहर की चीज़ें खा लें ठीक है तो क्या होता है कि हमारा जो पेट का जो स्टमक का जो गैस्ट्रिक जूस है वो डिस्टर्ब हो जाता है ठीक है उस उसमें क्या होता है कि एच सी एल की अमाउंट क्या होती है इंक्रीज हो जाती है ठीक है ना और जब एच सी एल दैट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर बढ़ गया पेट में तो क्या हो जाएगा स्टमक में अंदर एसिडिटी होती है और उस एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए क्या होता है हम कोई बेसिक मीडियम लेते हैं ठीक है ना अब एसिडिटी हो गई क्यों क्योंकि एसिड बढ़ गया क्योंकि एसिड का पीएच बढ़ गया ठीक है ना तो इसलिए क्या होता है ये पी बहुत जरूरी है हमारे डायजेस्ट सिस्टम में देख लेते हैं यहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन स्टमक हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड ऑब्वियसली व्हेन एसिडिटी इंक्रीज इन द स्टमक इट कॉजेज स्टमक पेन एंड इरिटेशन देखिए कभी भी एसिडिटी जब बढ़ती है क्यों क्योंकि पीएच की वैल्यू इंक्रीज हो गई और इस वजह से क्या होता है कि हमारे अंदर पेट के अंदर क्या होता है पेन स्टार्ट हो जाता है और बिल्कुल इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है ठीक है ना हम नॉर्मल अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते है, ठीक है इन दिस केस एंटेसिड इज़ यूज टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी यानी कोई एसिड के अपोजिट जो हम बोलते हैं एंटेसिड वो लेना पड़ता है यानी कि एक बेसिक मीडियम हमें लेना पड़ता है जैसे कि इनो हम जो लेते हैं दूध पी लेते हैं तो क्या होता है कि इसकी वजह से क्या होता है एंटीसिड लेने से एसिडिटी क्या होता है रिड्यूस हो जाती है नेक्स्ट है पीएच चेंज एट टू टू टिके बहुत ही इंपॉर्टेंट है बचपन में आपको हम सबको बताया था कि हमें टॉफी चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए क्यों क्योंकि इनके अंदर बहुत भयंकर वाले बहुत ही हजार डेस्ट हार्मफुल केमिकल्स होते हैं ठीक है उनके अंदर क्या होता है पीएच की वैल्यू बहुत हाई अमाउंट में होती है और पीएच की वैल्यू हाई अमाउंट में होगी तो क्या होगा वो जो केमिकल्स के अंदर डाले गए हैं तो वो हमारे दांत के अंदर जाएंगे तो क्या करेंगे दांत को गला देते हैं कहते हैं ना कि दांतों में सड़न हो गई या दांत गिर गए या दांत गल गए बचपन में बच्चों के दांत टूट जाते हैं क्यों क्योंकि बहुत सारी चॉकलेट्स और तो टॉफ़ी खाते हैं क्यों, क्यों? क्योंकि उनमें पी की अमाउंट बहुत ज्यादा होता है ठीक है तो यहाँ देख लेते हैं द नॉर्मल पी ऑफ आर माउथ इज़ फाइव हमारा जो पी होता है माउथ का वो नॉर्मली कितना होता है फाइव तक हम टॉलेट कर सकते हैं ठीक है इफ द पी इनसाइड द माउथ डिग्रीज बिलो फाइव पॉइंट फाइव अगर फाइव पॉइंट फाइव से नीचे जाता है एसिड की वजह से तो क्या होता है प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियाज प्रेजेंट इ माउथ देन इट लीड्स टू टूट के ऑब्वियसली दांत टूटेंगे ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीएच को समझना तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या सिग्निफिकेंस है हमारी डेली लाइफ में पी का एक और है वेन एन एस वैन एन इंसेक्ट लाइक हनी बी और आंट वाइट दे कैन इंजेक्ट दे इंजेक्ट एन एसिड दैट इज मेथेनोक एसिड इन द स्किन देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में एसिड जो बात चल रही थी कि जो एसिड्स मेथोनैक एसिड जो होता है आंट के स्ट्रिंग में होता है डंक के अंदर होता है ठीक है हनी भी हो गई मधुमक्खी या जितनी भी क्या कहते हैं चीटियाँ होती हैं ठीक है ठीके? इनके अंदर क्या होता है मेथेनाइक एसिड क्या कहता है रिलीज़ करते हैं जब भी किसी को काटते हैं तो क्या करता है अपने डंग के जरिए क्या स्टिंग के जरिए क्या करते हैं अपने अंदर से मेथेनोक एसिड को रिलीज करते हैं और जब भी उस वो एसिड हमारे या लिविंग बींग्स की बॉडीज में जाएगा क्या हो जाता है तो वहाँ पर सूजन आ जाती है ठीक इन्फ्लेने, है ना इनफ्लेमेशन हो जाता हो जाता है ठीक है ना इन्फ्लेमेशन होता है ठीक है तो क्या होता है वो फूले लगता है और लाल भी हो जाता है ठीक है तो क्या होता है कि उसके अंदर एज एसिड इंजेक्ट कर दिया उन हनी भी और आंट ने ठीक है तो यहाँ देख लेते हैं दे इंजेक्ट एन एसिड दैट इज मेथेनोक एसिड इन द स्किन दैट कॉज पेन एंड irritation इन दिस केस अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा is applied ऑन द एफेक्टेड एरिया टू गेट relief तो so, उस जगह pe काटा है जो डंक लगाया है चीटी ने या फिर हनी बीन है तो हम क्या करते हैं बेकिंग सोडा वहाँ पे लगा देते हैं ठीक है या मेटल वो घिस लेते हैं ठीक है तो इसकी वजह से क्या होता है उसका जो असर होता है इफ़ेक्ट होता है एसेड का वो क्या होता है थोड़ा सा कम हो जाता है और रिलीफ हो जाता है हमें ठीक है तो ये सारे वो थे हमारे पॉइंट्स से जो कि हमारे डेली लाइफ में क्या था सिग्निफिकेंस है पी का तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं ठीक है वो जो केमिकल कंपाउंड्स वो क्या होते हैं सोल्ट ही होते हैं ठीक है ना तो उनको हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स हैं तो उन कॉमिकल कंपाउंड्स को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही अगले वीडियो में हम बात करेंगे सब इम्पोर्टेंट केमिकल कम, कम, कंपाउंड्स लाइक कास्टिक सोडा बेकिंग सोडा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड सी ओ सी ओल टू ठीक है और क्या कहते हैं जिप्सम की बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करेंगे तो इन सारे केमिकल कंपाउंड्स के बारे में हम बात करेंगे तो इस वीडियो से तो इतना ही अगली वीडियो बात करते हैं ओके थैंक यू आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करना ठीक है एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल सो अगली वीडियो में मिलते हैं थैंक यू